आप दुनिया के कोई भी डाउनटाउन में जाओ, फॉरेन कंट्रीज़ के कोई भी डाउनटाउन में आप जाओगे तो आपको यूजुअली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखेंगी और बड़ा कॉर्पोरेट सा माहौल होता है वहाँ पे। बट वैनकूवर डाउनटाउन दूसरे डाउनटाउनों से बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे अलग है कि आपको बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी दिखेगी, साथ में आपको उससे भी बड़े पहाड़ दिखने वाले हैं। और अगर आप ये सिटी की लाइफ से पक जाते हो तो डाउनटाउन से कुछ 5 किलोमीटर ही दूरी पे आपको माउंटेन्स पे ट्रैक करने का मौका मिलेगा। तो आज हम वैसी एक जगह पे आए जिसका नाम है साइप्रस माउंटेन, और यहाँ पे हम अच्छे से नेचर का लुत्फ़ उठाने वाले बड़ी नज़दीक से। तो ये रहा स्कैनर। वाओ नाइस, यहाँ पे स्कैनर है ही नहीं और वो स्कैन कर रही है। मुझे लगा स्कैनर है। और हर बार अपनी बीवी के साथ घूमने निकलते में पक गया था, तो इसलिए इस बार हमने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है हमारे व्लॉग में। ये हमारे भाई है जैनिश। हाय। तो इज न्यू टू द कैमरा, सो तो भैया वो जो आप सामने देख रहे हो सीनिक चेयर है, उसमें बैठ के हमें जाना है और पूरा हम घूमेंगे। कहाँ पे घूमेंगे मालूम नहीं है, बट घूमने तो वाले हैं। Are you excited? Yes. Yeah. This looks fun. कुछ 20 फीट जितना होगा तो नीचे गिरेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन हड्डियां तो जरूर टूटने वाली है। बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ, मतलब 3 फ्लोर की बिल्डिंग। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर तुम्हें फेंक दिया तो जिंदा वापस आओगे कि नहीं? नहीं जिंदा तो आ ही जाएंगे। Let's see. नहीं मतलब ऐसा, तो जिंदा हम वापस पहुंच चुके हैं भाई। तो रोपवे में से ऊपर चढ़ने के बाद कुछ लुकआउट पॉइंट्स आते हैं, आपको ट्रैक करके जाना होता है, तो वहीं पे अभी हम जा रहे हैं। हम लुकआउट पॉइंट देखने जा रहे हैं, किसी ने बोला बस नज़दीक ही है यहाँ से, बहुत नज़दीक है, सिर्फ 10 मिनट दूर है। 10 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया, मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। आई होप अच्छी जगह हो। तो काफ़ी टाइम चलने के बाद यहाँ पे कुछ दिख रहा है ब्लू ब्लू, तो आई होप कि यहाँ पे आगे होगा लुकआउट पॉइंट। यहाँ पे तो कुछ है नहीं रास्ता जाने का, बट यहाँ पे ज़रूर है, तो आई फील कि दिस शुड बी कनेक्टेड। और आज मैं वैसे कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ कि भैया बहुत चलना पड़ रहा है कुछ भी, क्योंकि आज वैनकूवर में हीट वेव की वार्निंग दी गई थी, और हीट वेव से बचने के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है इतने सारे पेड़ों के बीच में। तो अगर कोई व्यू नहीं भी होगा ना, तो भी मैं यहाँ पे आज डेरा डाल दूंगा, यहीं पे सो जाएंगे। हाँ, क्या बोलते हो? नहीं, सही बात है, इतनी गर्मी में सोने से अच्छा है इधर ठंडक में रहे। हाँ, और वैसे भी हम जानवरों के साथ ही घूम रहे हैं, मतलब मैं एक कट नो वो इट वॉज ऑल वर्थ इट। कितने 5 किलोमीटर चले हम लोग? या अराउंड 4। वैनकूवर डाउनटाउन है, राइट? तो व्यू देख के तो एकदम फ्रेश हो गए हम, लेकिन अभी यहाँ से वापस भी जाना है उतना ही जितना चल के आए हैं, तो वो एक अलग स्ट्रगल है। पहली बार है ट्रैक करने के लिए, हम इसको उठा के लेके आए, तो हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड।
फ्रेश एयर, इट्स अ गुड डे. तो अब से नेक्स्ट टाइम ट्रैकिंग में डन, मतलब कैंपिंग में साइन कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन. तीन नहीं, खून नहीं निकला, आई थिंक इट्स जस्ट मस्कुलर लाइक. जाते जाते उसका पैर यहाँ पे टकरा गया कहीं पे. आउच, चल रहा है, टच वुड. आई एम सेफ, शी इज एक्चुअली टचिंग वुड. आई एम सिटिंग ऑन वुड. आर यू ओके? या, परफेक्ट. यस. आर यू ओके? यस, गुड. केबिन लेक, ब्लैक माउंटेन एंड केबिन. ये मोर देन ओके है. अभी हम लोग को वापस एग्जिट की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि 5:45 हो रहे हैं और कुछ 6:30 के आसपास वो बंद हो जाएगा चेयर लिफ्ट, जहाँ मतलब वो रोप पे है जहाँ से हमें जाना है. तो okay, so we can actually only ride two people going down at a time. Okay. Because we have a smaller dynamic person. Thank you. Sure, you know? Yeah. Okay, so we'll go through a brief safety talk before we get into the fun stuff. Nice! भैया फाइनली अभी घर पहुंच गए. तो अभी हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, खाना बाहर से आएगा, ले लेते बैग. और उससे पहले चाय बनने वाली है तो मैं और जैनिश चाय पियेंगे. जैनिश चाय पिएगा? चाय है तो जीवन है. या चाय पी, शैली तो चाय पीती नहीं है. आई विल ड्रिंक पीना कोलाडा.